हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मिथिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, मेरा नाम डॉक्टर जिशान है। अगर मैंने आपको अपने पहली वीडियो मेरी देखी है, ठीक है, तो उसमें आपको पता चला होगा मैंने ग्लोब के बारे में बताया था। ग्लोब होता क्या है, मतलब अपनी पृथ्वी को जाने। जैसे हमने अपनी पृथ्वी को जानने के बारे में दो चीज देखी। पहली चीज हमने देखी अक्षांश रेखा, दूसरी देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स इंग्लिश के अंदर, देशांतर रेखा को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। आज हम दूसरा टॉपिक उसी चैप्टर का कवर करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आपने हमारे पास जो ग्लोब देखा होगा, कहीं भी आपने ग्लोब देखा होगा, इस प्रकार का ग्लोब में कुछ रेखाएं लॉन्ग होती हैं, ये वाली खड़ी रेखाएं होती हैं, उसको कहते हैं अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड्स। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, या हम उसको ये बोल सकते हैं हिंदी में देशांतर रेखा। अब देखिए, यहां पर अब एग्जाम के सवाल क्या रहते हैं। एग्जाम में सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। एग्जाम में पूछता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ये एक काल्पनिक रेखा होती है। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कनेक्ट्स नॉर्थ पोल फ्रॉम साउथ पोल। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं। अब बात समझते हैं, हमारे पास बीच में केंद्र में जो रेखा है इसका मान है 0 डिग्री। जो सेंटर वाली लाइन है इसकी वैल्यू 0 डिग्री है। जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ये 0 डिग्री की जो लाइन दिख रही है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रधान माध्यन में, प्रधान माध्यन में, ठीक है। या अगर हम बात करेंगे इसी वर्ड की, प्रधान माध्यन में क्या बात करते हैं, इसको एक नाम और जानते हैं, एक नाम से इसको और जानते हैं, दूसरा नाम इसका है प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम मेरिडियन। ठीक है, या GMT लाइन, इसके दो नाम है। एक्चुअली हम बात करते हैं, अगर पूछिए आपसे कि प्राइम मेरिडियन वाली रेखा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। अगर आपसे पूछता है GMT लाइन किसे कहते हैं, 0 डिग्री को बोलते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब अगर पूछे 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं, प्राइम मेरिडियन या प्रधान माध्यन में। इतनी बात क्लियर है? आगे देखेंगे, यहां पर हमारे पास 0 डिग्री न्यूट्रल है, आगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन आगे भी है। दूसरा इधर 0 न्यूट्रल है, ये वाली 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और आगे जो भी डिग्री होंगी वहां से अगर हम बात कर सकते हैं यहां पर 45 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे इस ग्लोब की बात करनी है पूरे की, ठीक है। आज मैं आपको समय निकालना सिखाऊंगा, दुनिया का समय किस प्रकार से निकालते हैं। एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जो ये ग्लोब है हमारे पास, ठीक है, यहां पर अलग अलग डिग्री दी हुई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इस ग्लोब पे जो रेखा है देशांतर रेखा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखा के बारे में एक डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, ठीक है। मतलब इसका 1 डिग्री अगर हमारी पृथ्वी घूम गई तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 डिग्री घूमती है तो कितने देर का आ गया, 8 मिनट का अंतर आ गया। एग्जांपल देखेंगे आगे। अब मान ले ये हमारे पास ग्लोब है, ये सर्कल है, ठीक है। अब एक सर्कल, एक वृहद का मान कितना होता है, 360 डिग्री। अब 0 डिग्री की लाइन बीच में है, इस लाइन से इस गोले को दो टुकड़ों में तोड़ दो, 180। अगर मैं यहां लिखता हूं 180 डिग्री और यहां लिखता हूं 180 डिग्री, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरी पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का जो मान होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है दिन और रात में, ठीक है। इसलिए दुनिया के हर कोने में समय अंतरकाल मिलता है। इंडिया, इंडिया में
जो भी समय हो रहा होगा पाकिस्तान आधे घंटे पीछे समय के अंदर, इंडिया में जो भी समय हो रहा होगा इंग्लैंड 5.5 घंटे पीछे है हमसे, ठीक है। इंडिया में जो भी समय हो रहा है जो बांग्लादेश चाइना ये सब हमसे कौन है, ये आगे हैं समय के अंदर, अभी देखेंगे कैसे। देखिए अब ये पूरा ग्लोब हो गया, ग्लोब के अंदर 180 डिग्री यहां हो गया, 180 यहां हो गया। अब बात समझना, 15 डिग्री की एक लाइन बनाई है मैंने, अब 15 डिग्री की ऐसी कितनी लाइन बनाऊं 180 हो जाए। देखिए 15 डिग्री की 10 लाइन बनाऊंगा तो 150 होगी 10 लाइन पे, 15 × 11 165, 15 × 12 180, इसका मतलब 12 लाइन यहां होंगी और 12 लाइन ही यहां होंगी, ठीक है 24 लाइन हो गई। एक ये वाली लाइन भी है जीएमटी लाइन, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ये क्यों नहीं काउंट करते हैं इसके अंदर। अब इस पूरी पृथ्वी के अंदर सेंटर की बात करते हैं, सेंटर की केंद्र की, हमारी पृथ्वी के एक्चुअल में दो केंद्र निकलते हैं, हमारे पास ये हिस्सा जो है उत्तर का है, ये हमारे पास देखते हैं हम बात करते हैं पृथ्वी की, हमारे पास ये हिस्सा उत्तर है नॉर्थ, ये हिस्सा दक्षिण है साउथ, ये हिस्सा पूरब है ईस्ट, ये हिस्सा पश्चिम है वेस्ट, चार दिशा हो गई। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी की पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट होता है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट का ग्रीनविच, ग्रीनविच, ठीक है। अब बात समझते हैं ग्रीनविच कहां पर है, लंदन में, ग्रीनविच लाइज इन लंदन। आपने सुना होगा आपके पास मोबाइल होगा कोई सा भी, ठीक है उसमें टाइम जोन होता है, ठीक है टाइम जोन के अंदर जाके देखना वहां पर एक वर्ड मिलता है आपको इस जगह जीएमटी, जीएमटी मिलता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, इसका मतलब क्या होता है, दुनिया का समय ग्रीनविच से निर्धारित होता है। जैसे मान लेते हैं ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, ठीक है यहां पर मतलब इस लाइन पे बात करते हैं, इस पे ग्रीनविच पे 12 बजते हैं दोपहर के, ठीक है। अगर जो भी देश जीएमटी मतलब लंदन, लंदन की बात हो रही है ग्रीनविच की, यहां पर जो भी देश इस लाइन पर आता है वहां 12 बज रहे होंगे। अब ग्रीनविच के पूरब में जो देश होंगे उनका समय बढ़ता है, मतलब समय बढ़ता है, टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है। और ग्रीनविच के पश्चिम में जो देश होते हैं वेस्ट में उनका समय घटता है, मतलब टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है। यहां मतलब ईस्ट में समय बढ़ता है तो वेस्ट में समय घटता है ग्रीनविच से, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखेंगे, अब हमारे पास एक वृत्त की वैल्यू पता चल गई आपको, यहां पर कितनी है, यहां पर पृथ्वी का वेस्ट टू ईस्ट का सेंटर कौन सा है हमारे पास, ग्रीनविच या जीएमटी बोल रहे इसको। पृथ्वी का नॉर्थ से लेके साउथ का जो सेंटर है, उत्तर से लेके दक्षिण का जो सेंटर है वो ये है, ये ना, इसको बोलते हैं आकरा, आकरा, आकरा जो है घाना देश की राजधानी है, आकरा का है घाना देश की राजधानी है, और घाना देश का है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका। अगर हम बात करेंगे पूछता है आपसे उत्तर से दक्षिण का केंद्र बिंदु कौन सा है, नॉर्थ टू साउथ का सेंटर पॉइंट है आकरा, आकरा किसकी राजधानी है, घाना की, घाना जो है किस देश के किस महाद्वीप के अंदर है, कि कौन सा देश है, महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, घाना कंट्री है, आगरा कैपिटल है, और ये सेंटर पॉइंट है नॉर्थ से साउथ का अर्थ का। अब पृथ्वी के दो केंद्र बिंदु निकल गए, पर हम लोग जो समय लेते हैं वो समय लेते हैं ग्रीनविच लंदन से लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या है इसका, सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो होती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ टू साउथ नहीं घूमती। कोई भी प्लैनेट होता है वो या तो ये घूमेगा या ये घूमेगा, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। बट हम आज बात करते हैं अर्थ की,
पृथ्वी की बात करते हैं, हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसलिए पश्चिम से पूर्व का जो केंद्र बिंदु होता है हमारे पास, उसको हम सेंटर पॉइंट मानते हैं। कौन सा? ग्रीनविच। उससे ही हम दुनिया का समय निर्धारित करते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें देखेंगे। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर ईस्ट में जा रहा हूं, समय बढ़ता है, वेस्ट में समय घटता है। आपने सुना होगा जापान के बारे में, जापान को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, उगते सूर्य का देश जापान को, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे पहले सवेरा जापान में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जापान ईस्ट में है। कहां है? ईस्ट में जापान। इसलिए समय बढ़ रहा है, सबसे पहले सवेरा जापान में होगा, उसके बाद स्लोली स्लोली सवेरा इस साइड होता है। इसीलिए लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, उगते सूर्य का देश। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में सूर्योदय हो रहा है। जब ईस्ट में सूर्योदय होगा तो सवेरा वही होगा, तो सबसे पहले सवेरा होता है जापान में, इसीलिए हम कहते हैं जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूर्य का देश। इतनी बात क्लियर होती है? इसलिए माह अगर सबसे पहले सवेरा जापान में होता है तो सबसे पहले रात भी माह होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी कंट्री यहां आते रहेंगे उसका समय वहां सवेरा होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमने 180 दो जगह बनाया। एग्जांपल देखते हैं आगे। देखिए, अब यहां से पहले सीधे हम समय बढ़ाते हैं। देखिए 15 डिग्री का है, 15 डिग्री 30 45 60 60 के बाद 75 90 105 105 120 135 135 150 165 180 180 यहां से क्या होगा? समय बढ़ गया। ऐसे ही 15 30 45 करके 180 यहां पर आ गया, ठीक है। जब 180 दो रेखा हो गई, एक्चुअल में पीछे जाते हैं तो दो रेखा नहीं, 180 की एक ही रेखा होती है, ठीक है। और जो 180 डिग्री की हमारे पास रेखा होती है, 180 डिग्री की जो लाइन होती है, उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDT, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर पूछेगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री, एक्चुअल में वो लाइन दो लाइन नहीं, 180 की एक ही लाइन है। जब एक लाइन वहां से कम होती है तो एक ये वाली जोड़ देते हैं, तो कुल संख्या हो गई 12 + 12 = 24 हो गई, क्योंकि 180 डिग्री का एक कम हो गया, ठीक है। अब आप समझते हैं, अगर सवाल ऐसा आता है एग्जाम में जो प्राइम मेरिडियन है, ये वाली लाइन प्राइम मेरिडियन की विपरीत दिशा में अपोजिट साइड कौन सी लाइन है, अपोजिट साइड जो पड़ेगी वो पड़ेगी 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगला सवाल इसी में से आता है एग्जाम के अंदर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है, ठीक है। ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। कहां से गुजरती है? प्रशांत महासागर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मतलब साढ़े आपका कह रहा मैं 180 डिग्री वाली लाइन है, यहां ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि प्रशांत महासागर से होके गुजरती है पैसिफिक ओशन से। आपको बता दूं, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। पूरी दुनिया का 1/6 पार्ट कवर करता है ये प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर को अग्नि वलय बोलते हैं। अग्नि वलय को अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुनिया में अगर 100% भूकंप और ज्वालामुखी घटना होती है, उसमें से 68% भूकंप और ज्वालामुखी घटना होती है प्रशांत महासागर से, ठीक है। इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। दूसरी कंडीशन, जो ये लाइन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब कंडीशन आती है, ये बिल्कुल सीधी, जैसे ये लाइनें बनाई है सीधी है, ये सीधी नहीं है, ये लाइन जिगजैग शेप में है इस तरह से, मतलब ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी आकार में जा रही है, 5 मोड़ है इसके अंदर, ठीक है, यहां पर, और ये प्रशांत महासागर को टच करती है। अगर मैं आपको एससी तक बताता हूं तो प्रशांत महासागर को ऊपर से होके गुजरती है ये,
अगर मैं इस क्वेश्चन को यूपीएससी में ले जाऊं, ठीक है, तो कंडीशन क्या आती है, ये प्रशांत महासागर मिलेगा, आगे जाके आपको मिलेगी बेरिंग जल संधि, फिर आगे मिलेगा चुक्की सागर, फिर आगे आर्टिक महासागर, ठीक है, वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। पर हमारे एग्जाम में जो पूछेगा आपसे वो यही पूछेगा कहां से होकर गुजरती है प्रशांत महासागर से। इज दैट क्लियर? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया। आज मैं आपको समय भी निकालना सिखाऊंगा उसके अंदर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो अब ध्यान से, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं यहां पर, फिर देखते हैं। देखिए, मैंने यह समझाया जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा का मुख्य कार्य होता है क्या, समय का मापन, समय नापती है, ठीक है। एक डिग्री देशांतर, वन डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट, क्योंकि समय मिनट में काउंट करेंगे तो 4 मिनट होता है, ठीक है। यहां पर दूसरी कंडीशन, जो देशांतर रेखा होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वो एक काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, जो कि पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जोड़ती है। इट कनेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी पे जब 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रधान माध्यन में प्रधान यामोत्तर हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन या जीएमटी लाइन, ये बोलते थे इसको। हमारी पृथ्वी के 2 केंद्र निकाले थे मैंने, उत्तर से दक्षिण का केंद्र, नॉर्थ टू साउथ का सेंटर पॉइंट जो निकला था पृथ्वी का, वो क्या निकला था हमारे पास, आगरा, जो घाना देश की राजधानी है और अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और पृथ्वी का ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट जो निकाला, उसका नाम क्या था हमारे पास, उसका नाम था ग्रीनविच। ग्रीनविच कहां पर, लंदन के अंदर, और लंदन कहां है, यूके में, यूरेनियम, और यूके कहां पर है, यूरोप में, यूरोप महाद्वीप के अंदर है, इतनी बात क्लियर है। पृथ्वी का मान, एक वृहद का मान, सर्कल की वैल्यू 360 होती है, 0 डिग्री की लाइन को अलग कर दिया तो 180 डिग्री ये वाला गोला हो गया, 180 ये वाला हो गया, ठीक है। यहां पर तो हमारे पास 15 डिग्री की एक लाइन अगर खींचता हूं मैं, तो यहां पर 180 डिग्री की बात होती है, तो यहां पर 15 डिग्री की 12 लाइन होंगी, 15 × 12 करूंगा 180, 12 रेखा इधर हो गई, 12 रेखा इधर हो गई, कुल 24 रेखा हो गई यहां पर, ठीक है। अब एक सेंटर में ये वाली भी है 25वीं रेखा, इसको काउंट क्यों नहीं करते, जब यहां से 15, 30, 45 करके जाता हूं पीछे की तरफ तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहां से जाऊंगा 2 यूनिटी आएगा, 180 की 2 लाइन मिल जाएंगी, एक्चुअल में वो दोनों एक ही लाइन हो जाती है, 180 की ओवरलैप कर जाती है, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, 5 मोड़ों में जाती है, ठीक है यहाँ पर। और इसके बिल्कुल अपोजिट वही है, जब एक वहां से कम होती है, एक ये काउंट हो जाएगी, 24 हो गई, 12 और 12, 24 लाइन। एग्जामिनर क्वेश्चन को 2 तरह पूछेगा, या तो पूछेगा देशांतर रेखा कुल कितनी है, आप कहोगे 24, ठीक है, या कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं भी पूछता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आती है, पृथ्वी पे कुल कितनी देशांतर रेखा है, वो 15 डिग्री नहीं काउंट करके दे रहा, वो 1 डिग्री काउंट करके देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, तो 360 होंगी, कैसे होंगी, देखिए 180 आ रही, 180 आ रही, कितनी हो गई, 360, 1 डिग्री का काउंट करूंगा, 15 डिग्री काउंट करूंगा तो 24 ही आएंगी, ठीक है। अगर 1 डिग्री काउंट करूंगा तो 180 यहां पर आ गया, और 180 आ गया, 360 हो गया, और एक ये रहा 361, वही कंडीशन, 361 की जगह एक कम हो जाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वाली, ठीक है, तो 360 रह गई। एग्जाम में देख लेना, ऑप्शन अगर 24 वाला आता है 24 मारना, अगर ऑप्शन 24 ना हो, 360 हो, तो 360 मारना, ठीक है, एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे देखेंगे हम इसके अंदर। अब क्या होता है, इंडिया की बात करते हैं, हम भारत की, दुनिया बात हो गई, भारत चलते अपने देश में। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी गोला है, ईस्टर्न गोला है, ईस्ट साइड, और ये वाला हिस्सा है ये वेस्ट गोला है, वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो 180 डिग्री तो यहां लगभग आ जाएगा, और 180 के अंदर आ जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा 180 कौन सा वाला, ठीक है, ईस्ट वाला या वेस्ट वाला, जो भी समय मिलेगा तो उसके आगे ईस्ट या वेस्ट लगा होगा, वो देखते हैं कैसे। इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं भारतीय मानक समय,
इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। शॉर्ट में IST बोल देते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया को बना दिया ये वाला, ठीक है। भारत का जो मानक समय दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऐसा बोला गया है। इस डिग्री पे जो समय हो रहा होगा उसको पूरा भारत फॉलो करेगा, ऐसा बोला गया है। अगर पूछे भारतीय मानक समय कितना है हमारे पास, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, देखो पूर्व इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग ग्रीनविच के पूर्व में है, इंडिया यहाँ पड़ेगा ग्रीनविच के। पश्चिम भी हो सकता था, पश्चिम होता इंडिया यहाँ आया था अमेरिका की तरफ, ठीक है। तो इंडिया कहाँ है, ग्रीनविच के पूर्व में है 82.5 डिग्री पर, क्योंकि अगर 0 डिग्री यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 82.5 इंडिया का समय। अब इंडिया से एक लाइन तो गुजरती नहीं होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इंडिया छोटा मोटा कंट्री नहीं है। एक्चुअली इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया दुनिया का 7वां बड़ा देश है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर दुनिया में 100% भूमि है तो हमारे भारत में 2.4% भूमि है पूरी दुनिया की, ठीक है। 7वां बड़ा देश है इंडिया, में कुछ रेखा यहां से गुजर रही होगी, अगर गुजरात पड़ता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कुछ रेखाएं कुछ लाइंस यहां से गुजर रही होंगी, ठीक है। इधर जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश लास्ट में आगे, ठीक है। मैं ओवरऑल मोटा मोटा एक व्यू देता हूं आपको। यहां पर जो हमारे पास ये जो रेखा है यहां से गुजर रही है, इसको 68 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 67 पॉइंट समथिंग है, वो आगे इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। इस रेखा को हम क्या मानते हैं, 68, और जो अरुणाचल प्रदेश वाली है वो 98, ठीक है। अब देखो इंडिया के दो कोने ले लिए, ईस्ट और वेस्ट वाले मैंने, ठीक है। अब 68 और 98 अंतर आ गया 30 डिग्री का एक देश में, ठीक है। मतलब कैसे, 68 से 78 88 98, मतलब यहां पर दोनों में अंतर आ गया 30 डिग्री का, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसका मतलब हो गया 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने में 2 घंटे का अंतर, क्योंकि भाई सूर्य का प्रकाश की बात करेंगे तो आराम से घूमेगी पृथ्वी, जहां रोशनी पड़ेगी वहां दिन होगा, जो पीछे आएगा वहां रात होगी, जो इससे पीछे से आगे आएगा वहां दिन होगा, पीछे रात होगी, ठीक है। पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, एक्सेस पे। अब कंडीशन ये आती है कि इंडिया में हम समय कौन सा फॉलो करें, ठीक है, बात तो यहां पर आती है, समय कौन सा लें। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर समय के लिए, देखिए यहां पर अगर इसकी बात करते हैं हम इंडिया के अंदर, अगर यहां 2 घंटे का जैसे मान लेते हैं गुजरात में 10 बज रहे हैं सुबह के, उसी समय यहां 12 बजना चाहिए 2 घंटे के अंदर, ठीक है। क्यों बजना चाहिए 12, क्योंकि देखो ये गुजरात जो है वेस्ट में है और ये ईस्ट में है, ठीक है, और ईस्ट में समय बढ़ता है और 2 घंटे का अंतर आ गया तो 2 घंटे बढ़ गया। ऐसे ही सवाल अभी आपके पास एनडीए में आया था, एनडीए में क्वेश्चन में आया था, पूछा था गांधीनगर और केवीधू में कितने टाइम का अंतरकाल है, कितने समय का अंतरकाल है। गांधीनगर गुजरात के अंदर है, केवीधू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दोनों में अंतरकाल डिफरेंस हो गया 2 घंटे का, ठीक है। यहां पर इतनी बात क्लियर है। दूसरी कंडीशन अब देखिए ध्यान से, अब इस बात को दूर करने के लिए, समय को दूर करने के लिए भारत को दिया गया भारतीय मानक समय, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब मान लो ये रेखा है 82.5 की, ठीक है, यहां पर अब ये रेखा जो आ रही है 82.5 की, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जा रही होगी। अब इस रेखा का जो केंद्र बिंदु, जो सेंटर पॉइंट निकलता है 82.5 डिग्री का, यहां पर वो निकलता है, आपने सुना होगा प्रयागराज, अभी हमारे पास इलाहाबाद का नाम बदला है प्रयागराज। प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी गांव, ठीक है, प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी ग्राम इसका केंद्र बिंदु है। 82.5 डिग्री का सेंटर पॉइंट कौन सा है, प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी ग्राम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब अगला सवाल हमारे पास आ गया यहां पर। अब बात समझेंगे कि हमारे पास इस लाइन का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का केंद्र बिंदु जो पड़ता है नैनी है, ठीक है।
अब ये वाली रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ठीक है? ये रेखा भारत के 5 राज्य से होके गुजरती है। ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे पहले। यूपी, यूपी मतलब प्रयागराज कहाँ है? यूपी में। यूपी, एमपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये होता है एपी। सब पी एक साथ ले लोगे सारे पी, ठीक है? यूपी, एमपी, एपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत करना, आंध्र प्रदेश। ये हो गया छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है? हमारे पास ये 5, हम बात करते हैं हमारे पास क्या नाम है, जो ये रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से होके गुजरती है। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये तो ट्रिक से, बट मैप से अगर बात करता हूं, यूपी आता है, एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, मैप का क्रम ये होगा। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर हो गया? इंडिया समझ गया, इंडिया का जो समय है 82.5 डिग्री पे जो भी समय हो रहा होगा उसको फॉलो करेगा पूरे इंडिया, चाहे गुजरात वाला चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला। इसमें आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट है इसके अंदर, एग्जाम्पल देखते। देखिए मैंने अभी आपको बताया जीएमटी, जीएमटी की वैल्यू थी 0 डिग्री, ठीक है? मतलब ग्रीनविच लाइन की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। और हमारे पास आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी जो देखा हमने, मतलब भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय की वैल्यू 82.5 डिग्री, और वो भी पूर्वी देशांतर, ठीक है? अब देखो 0 डिग्री के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलूंगा। 0 डिग्री पता इंग्लैंड है, लंदन है, ठीक है? अब बात समझना, ये डिग्री के साथ दिया हुआ है, पर मुझे ये मालूम है कि 1 डिग्री बराबर होते हैं 4 मिनट, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं। अगर 15 डिग्री की बात करता हूं, 15 डिग्री को 4 से गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, 1 घंटा हो गया, ठीक है? अब बात समझेंगे, 15 × 4 = 60 मिनट। अब मुझे मालूम है कि 15 डिग्री में होता है मेरा 1 घंटा, इतना मालूम है। अब पहाड़ा पढ़ दो, पहाड़ा पढ़ो सिंपल, ठीक है? इसके अंदर जैसे 15 का डिग्री है, 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटे, 45 डिग्री में 3 घंटे, ठीक है? 60 डिग्री में 4 घंटे, ठीक है? और 75 डिग्री में 5 घंटे, 75 में कितने हो गए? 5 घंटे, और अगर मैं 90 करूंगा 6 हो जाएंगे, पर 90 है नहीं है, 5 पूरा डिविजिबल जाता है कितना, 5 अगर पूरा डिवाइड जाता है कितने में, 75 हो गया। अब 75 डिग्री में 5 मिनट हो गए, अब 82.5 में से 75 माइनस करूंगा कितने बचे, 7.5। अगर 15 डिग्री में 1 घंटा होता है तो 7.5 डिग्री में आधा घंटा होगा, ठीक है? 5.5 घंटे मतलब भारत का समय 5.5 घंटे आगे पीछे, अब ये पता करना है। अब देख लो यहां क्या लगा है, ईस्ट है, ईस्ट का मतलब क्या होता है, समय बढ़ेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर ईस्ट है, ईस्ट का समय क्या होता है, समय बढ़ेगा, तो भारत 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। इसका मतलब अगर 12 इंग्लैंड में बजते हैं तो भारत में बजेंगे शाम को 5:30, ठीक है? इस प्रकार समय को निकालते हैं, ठीक है? आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है? अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है आपकी सॉल्व की जाएगी, कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है किसी तरह का, अगला टॉपिक लेकर आएंगे उसमें आपका डिस्कशन उस चीज का होगा। थैंक यू, गुड बाय।